लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बचपन से शायद ये लाइन आपने बहुत बार सुना होगा कि आप कोशिश करते रहो, जिंदगी में कभी न कभी सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। बट दोस्तों, ये लाइन सही नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे स्क्रीन पर ये फोटो देख करके आपको समझ आ गया हो। भाइयों और बहनों, ये है जिनका फोटो आप देख रहे हैं, ये है यूपीएससी एस्पिरेंट्स कुणाल जी। कुणाल जी ने जहां पर पूरा भारतवर्ष यूपीएससी का रिजल्ट निकलने के बाद खुशियां मना रहा था, वहीं पर कुणाल ने एक्स पर, मतलब कि ट्विटर, जो पुराना ट्विटर था, उस पर कुणाल जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि 12 अटेम्प्ट्स, 7 मेंस और 5 इंटरव्यू। स्टिल आई फेल्ड। 12 अटेम्प्ट दिया इन्होंने, 7 बार मेंस एग्जाम में बैठे हैं, 5 इंटरव्यू में इन्होंने बैठे, फिर भी ये अपने मुकाम को हासिल नहीं कर। और पूरा भारतवर्ष इस संघर्ष के घड़ी में कुणाल जी के साथ है। हम आप सभी लोग कुणाल जी के इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। और कुणाल जी का जो ये स्टोरी है, ये स्ट्रगल का जो स्टोरी है, ये हमारे आपके सभी के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि जिंदगी में हर टाइम कोई इंसान अगर फेल हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में खराब, जरूरी नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता है, जरूरी नहीं है कि उसने एफर्ट नहीं दिया है। बहुत बार आपकी किस्मत भी आपके साथ नहीं होती है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कुणाल जी हम लोगों के सामने पेश कर। ऐसा नहीं है कि कुणाल पढ़ने में खराब है, ऐसा नहीं है कि कुणाल जी ने एफर्ट नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं है कि कुणाल जी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होंगे। कुणाल जी का लक उनके साथ नहीं था। भाइयों और बहनों, जिंदगी में सफलता के साथ तो सभी खड़े होते हैं, असफल व्यक्तियों के साथ खड़े रहें और उनका मनोबल को बढ़ाएं। और जिंदगी में किसी को भी नीचा मत दिखाइए, क्योंकि संघर्ष सबका है, स्ट्रगल सबका है, मेहनत सभी ने किया है। दोस्तों, ये इस कहानी हमारे आपके सभी के लिए एक सीख है कि हम कोशिश करने के बाद भी हार जाते हैं अगर हमारा नसीब हमारे साथ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, बट बहुत बार मेहनत करने के बाद भी हम लोग उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं जो हम लोग को चाहिए होता है। अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर करें,